बिजनौर के सिहारा में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा ट्रैक्टर रैली निकालकर जताया गया विरोध। बता दें, सिहारा में भाकियू ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी गजेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में शहर में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। इस मौके पर किसान ने गजेंद्र सिंह ने बताया कि यह मार्च राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे देश में निकाला जा रहा है। उन्होंने सरकार पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा, सरकार अपने वादों पर खरा नहीं उतर रही है। चुनाव से पहले जो वादे किए गए थे, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। न गन्ने के दाम बढ़ाए गए, बल्कि 20 पैसे प्रति किलो दाम बढ़ाकर किसानों को छलनी करने का काम किया है। किसानों के हर सामान पर महंगाई बढ़ रही है, लेकिन गन्ने का मूल्य सिर्फ 20 पैसे किलो बढ़ा है, जिसका किसान विरोध करता है। सिहारा से नज्म सिद्दीकी की रिपोर्ट। इतनी बड़ी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, एक रैली जा रही, बड़ी संख्या में ट्रैक्टर है, क्या मामला है? ये राष्ट्रीय आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन का ट्रैक्टर मार्च पूरे देश भर में है, क्योंकि सरकार किसानों की बात नहीं सुनती। लगातार किसान संघर्ष कर रहे हैं। सरकार ने चुनाव से पहले वायदे किए थे कि गन्ने का रेट हम 50% लाभकारी मूल्य दिलाएंगे, लेकिन किसान के साथ 20 पैसे किलो गन्ने का रेट बढ़ाकर भद्दा मजाक किया गया, जिसके विरोध में आज देश भर में किसान ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे हैं। और जो कि खाद का कट्टा 50 किलो का हुआ करता था, तो ये भारत सरकार द्वारा 40 किलो का कर दिया गया, रेट वही है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं इस यात्रा का माध्यम? संदेश क्या जाएगा, आप भी आई हो और हम भी आई हो, हमें तो पता नहीं क्या संदेश जाएगा, लेकिन हमारा कार्य है और हमारी मांग है सरकार से कि आज गणतंत्र दिवस है और उसके उपलक्ष्य में पूरे देश भर के जो किसान हैं, बहुत संयम और साधना के साथ और शांतिपूर्वक अपनी मांगों को रख रहे हैं।